जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने SCS क्लासेस पर। इस क्लास में SSC MTS के जो इससे पहले पेपर हो चुके हैं उन सभी शिफ्टों का एनालिसिस के उपरांत इन प्रश्नों को तैयार किया गया है। इस क्लास में कुल 25 प्रश्नों को लिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये होगी। इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपके SSC MTS के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे इसी क्लास से, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताएं आप लोग किस राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में या राजस्थान में? तब ये किस राज्य में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव? यह मनाया जाता है उड़ीसा में। यदि आपका जवाब उड़ीसा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है ये टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण इसे स्किप कर रहे हैं, फिर भी इसका अर्थ आंसर बता देते हैं आपके लिए। किस डांसर को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? यह मिला था गद्याम। किसे मिला था? यह मिला था गद्याम रेडी के लिए मिला था। हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया है जो ओडिसी नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि एक नृत्य शैली से संबंधित आपसे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा आपके SSC MTS के पेपर में, और पूछा भी गया है इससे पहले जो शिफ्टों के SSC MTS के पेपर हो चुके हैं। तब ये किसका है? उड़ीसा का, तमिलनाडु का, केरल का या आंध्र प्रदेश का? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, किस राज्य का है। यह है उड़ीसा राज्य का। यदि आपका जवाब उड़ीसा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में दो सदन हैं? बताएं आप लोग किस राज्य के विधानमंडल में दो सदन हैं? क्या महाराष्ट्र में है, झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में? तब किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ पर अब आपको GK GS की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इंग्लिश की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। 4 मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपने जो इससे पहले जो SSC MTS के पेपर हो चुके हैं 30 तारीख को, 1 को, 3 तारीख को, उसमें आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वे 2023 के, 2022 के और आपसे 2020 तक के भी पूछ लिए गए हैं। इसलिए एक प्रश्न इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए इस प्रश्न को इस क्लास में लिया गया है। इसलिए पेपर को आप पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 3 हैं क्या, 5 हैं, 9 हैं, 11 हैं? कुल जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वह कितनी है? 11। इसलिए सही जवाब हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐहोल डैश की राजधानी है क्या चीज़? ऐहोल डैश राजधानी थी। तब ये ऐहोल जो राजधानी थी वह किसकी थी? चोलों की थी, पल्लवों की थी, चालुक्यों की थी या पांडवों की थी? जो ऐहोल जो राजधानी थी ये किसकी थी? ये थी चालुक्यों की, चालुक्य वंश वालों की। इसलिए 3rd वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यपगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था? जो व्यपगत के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था
यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसका सही जवाब होगा थर्ड वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डच के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब इसकी संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? महारानी चांद कौर ने किए थे, इन्होंने नहीं किए थे। महाराणा रणजीत सिंह ने किए थे, इन्होंने भी नहीं किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तब ये किसने किए? महाराजा दलीप सिंह ने किए थे। जी हाँ, किसने हस्ताक्षर किए थे? महाराजा दलीप सिंह ने। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? क्या ये कोसी नदी है, लूनी नदी है, बनास नदी है या बेतवा नदी है? ये जो नदी है यह है लूनी नदी। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो 2022 और 23 से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को लेना यहाँ पर उचित समझा और ये इम्पोर्टेंट भी था। तो कौन सा वाला सही होगा? ये जीता था उड़ीसा राज्य ने। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सीताराम येचुरी। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तब इसका क्या होता है? इसका पहला ही वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष द्रैस तक चलता है, कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, ये निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? अभी कौन सा हो सकता है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या अस्तासम? तब कौन सा हो सकता है? ये होता है अस्तासम, जिसे बैसाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बाबर था? तब मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था? वह था चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलवन 1265 से 1286 ने डैश की उपाधि धारण की थी, तब इसने उपाधि किसकी धारण की थी? नूर अल दीन की थी, नूर महल की थी या जिले इलाही की थी? इसने जो उपाधि धारण की थी ये की थी जिले इलाही की, अर्थात भगवान की छाया। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार चलती है? तो कौन सी ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है? ये चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन T18 के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी, ये किसके लिए शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी गरीबी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी सुविधा के लिए।
इसलिए इसके सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसे भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया था? ये हो गया था लता मंगेशकर का। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो वह कौन सा स्थान था, अर्थात स्थल था? वह था सारनाथ। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यदि पूरा पेपर लगा लिया, समझ लिए इसी पेपर से आपके क्वेश्चन पेपर में SSC MTS के डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तब वह कौन सा जो अघुलनशील है? देखो, दूध है वो भी घुल जाता है, चीनी है वो भी घुल जाती है, नमक वो भी घुल जाता है, लेकिन जो चौक पाउडर होता है वह पानी में नहीं घुलता है। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना, पायलट प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, शुरू किया? तब ये किसने शुरू किया था? उपभोक्ता मामले विभाग ने, वाणिज्य विभाग ने, औषध विभाग ने, या पशुपालन और डेयरी विभाग ने? ये जो शुरू किया था, ये किया था पशुपालन और डेयरी डिपार्टमेंट ने, अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? पहला ही वाला इसका ऑप्शंस करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बगीचा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग है क्या है? 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, या 1,000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या 1,000 पुरुषों पर 840 महिलाएं, या 1,000 पुरुषों पर 640 महिलाएं? बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। आप इसका सही जवाब दे चुके होंगे। इसका सही जवाब होगा 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तब किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? सितार से, नाद स्वरम से, संतूर से, या ढोलक से? जो शिव कुमार शर्मा का जो नाम जुड़ा हुआ है, ये इनका जुड़ा हुआ है किससे? संतूर से। साथियों, क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर अब जो SSC MTS की जो क्लासेस आपको कराई जाएंगी, वे आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाई जा रही है। और सबसे पहले और सबसे सटीक क्वेश्चनों का एनालिसिस जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।